नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के हर प्रदेश का नाश्ता। तो चलिए देखते हैं भारत में सबसे स्वादिष्ट नाश्ता किस राज्य में मिलता है। तो भारत की इतनी सारी संस्कृति, इतने सारे नाश्तों में चुनना तो बहुत मुश्किल है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको आज का पहला नाश्ता दिखाते हैं, जो कि हम लाए हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में वैसे तो बहुत सारे शहर है और हर शहर में अलग अलग तरीके का नाश्ता ही खाया जाता है, लेकिन एक आलू पूरी एक बहुत ही ज्यादा पसंदीदा और मशहूर नाश्ता है उत्तर प्रदेश का, तो इसीलिए हम इसको लेकर आए हैं आज। तो सबसे पहले जायका लेते हैं आलू और पूरी का। ये है हमारी आलू की सब्जी और इसके साथ हमारे पास आई है दो पूरी। चलो इसको टेस्ट करते हैं। ओहो, बहुत खूब। हर राज्य की खूब टक्कर होने वाली है। यूपी वालों से हैं, यूपी वाले कम नहीं है किसी से। जबरदस्त नाश्ता है। ये एक ऐसा नाश्ता है जो कि मेरे को हर रोज भी खाने को मिले तो मैं किसी भी तरह की कमी पेशी नहीं जताऊंगा और रोज इसको चाव से ही खाऊंगा। तो मेरी तरफ से तो आलू पूरी बहुत जबरदस्त नाश्ता है, लेकिन सबसे स्वादिष्ट नाश्ता कौन सा है ये वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नाश्ते और अगले राज्य की तरफ, जो कि हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र से, और नाश्ते का नाम है बड़ा पाव और कटिंग चाय। ये देखिए, ये है एक बड़ा पाव, दो इसमें बन होते हैं, एक बीच में हमारा बड़ा होता है। 10 रुपए में बड़ा पाव आ जाता है, 5 रुपए में कटिंग चाय आ जाती है और 15 रुपए में बंदे के नाश्ते के हिसाब से पेट पूरा भर जाता है। इसके साथ साथ आपका पसंदीदा नाश्ता कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जितने बड़ा पाव ट्राई करता हूँ। बापू एक नंबर, मुंबई का लैंग्वेज पकड़ लिया रे अपन ने। देखो, मुंबई वैसे तो बहुत महंगा शहर है, लेकिन अगर प्रॉफिट फ्रेंडली नाश्तों के मामले में कोई विजेता निकलेगा ना, तो मेरे ख्याल से मुंबई को कोई बीट नहीं कर सकता उस मामले में। और आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का नाश्ता, जो कि है पोहा जलेबी, जिसके अंदर हमारा पोहा आता है एज ऑब्वियस और जलेबी आती है एज ऑब्वियस। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में कैसा लगेगा, ये मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ और इनफैक्ट बड़ा एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। तो चलिए इसे ट्राई कर लेते, पहले पोहा खाएंगे या पहले जलेबी खाएंगे। और नाइस कॉम्बिनेशन। और जब मध्य प्रदेश का पोहा जलेबी होगा वहां जाकर खाया जाएगा तो मेरे ख्याल से और ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो इसको भी हम करते हैं पास और बढ़ते हैं अपने अगले ब्रेकफास्ट की तरफ। अगला नाश्ता हम लेकर आए हैं बिहार के प्रदेश से, और उस नाश्ते का नाम है सत्तू का पराठा विद आम का अचार। तो जैसे बिहार का प्रसिद्ध नाश्ता है सत्तू के पराठे, वैसे ही आपके शहर का क्या प्रसिद्ध नाश्ता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिट्टी चोखा की सत्तू के पराठे के साथ बहुत जबरदस्त टक्कर होती है मेरे मुताबिक बिहार में। मैंने देखो इंटरनेट से खोज खबर निकाली है, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, ना ही मैंने हर शहर को अभी तक विजिट कर रखा है, तो मेरी नॉलेज के हिसाब से यही है। बाकी मैं गलत होऊंगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसको ट्राई करें, ये भी सही है, प्लेन एंड लाइट कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप लोग नाश्ते में जैसे हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते, जैसे पूरी आलू नहीं खाना चाहते, ऐसा कोई आइटम नहीं खाना चाहते, तो मेरे हिसाब से सत्तू के पराठे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है नाश्ते के तौर पे। तो मेरे लिए हिसाब से भाई बिहार का नाश्ता भी होता है पास, बढ़ते हैं अपने अगले नाश्ते की तरफ। तो देखो भाई, अगला नाश्ता ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जब मैंने भी इंटरनेट पे पढ़ा था तो मैं भी बड़ा हैरान रह गया भाई नाश्ते में ऐसा होता है। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे बता देना। तो मेरे मुताबिक और इंटरनेट के मुताबिक सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है जी मोमोज, जो हम दिल्ली वाले स्नैक्स के तौर पे खाते हैं वो सिक्किम के लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। क्या ये सच है, प्लीज मुझे बताइएगा। ट्राई कर लेते हैं जी मोमोज, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्नैक्स है भाई हमारा, बट इसको नाश्ते में खाना तो शायद मैं कंसिडर नहीं करूंगा। बताएगा टेस्ट वाइज बताऊ ना तो भाई जबरदस्त, बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा अनहेल्दी कंसिडर हो सकता है, लेकिन नाश्ता सही। चलिए बढ़ते हैं भाई हमारे शहर की तरफ, मतलब दिल्ली वालों का नाश्ता। अगर आपने दिल्ली का कोई भी फूड ब्लॉग देखा है ना, तो डेफिनेटली आपने उसमें छोले कुलचे तो देखे होंगे, मायापुरी के फेमस छोले कुलचे, बच्चों के छोले कुलचे और आंटी के छोले कुलचे। दिल्ली में ना इतने स्कूल नहीं होंगे जितने छोले कुलचे वाले खड़े रहते हैं यहाँ पर। वैसे तो पंजाब की डिश है, बट ये दिल्ली में इतनी मशहूर हो चुकी है कि हम अपने नाश्ते की शुरुआत छोले कुलचे के साथ ही करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, तो रेगुलर वाले हैं भाई हम, क्या ट्राई करें। ओए होए, मैं मन कर रहा है मैं पार्सल हो जाऊं और दिल्ली को जितवा दूं, लेकिन नहीं है, अच्छा नहीं लगे, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। और ऑनेस्टली मैं बताऊंगा जिसको भी विजेता घोषित करूंगा, ऑनेस्टली बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से भाई दिल्ली के छोले कुलचे हैं एक नंबर, और बढ़ते हैं हम अपने अगले नाश्ते की तरफ। हेलो अमन खान हमेशा डांडिया खेल कटक्कड़ धिक्का तक्कड़। तो अगला नाश्ता है हमारा गुजरात का जलेबी फाफड़ा। गुजरात वालों ने नाश्ते का कोड क्रैक कर लिया, नमकीन में आपका फाफड़ा हो गया, मीठे में आपकी जलेबी हो गई, भाई और क्या चाहिए। एक और मशहूर टीवी के कलाकार को ये नाश्ता पसंद है, बहुत पसंद है, कमेंट करके बताइएगा किसको, फाफड़ा और जलेबी।
तो भाई ये भी बड़ा बड़ा यूनिक और बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक जो मुझे कमी लग रही है वो मुझे गुजरात वालों से नहीं लग रही, बल्कि इनफैक्ट मेरे दिल्ली वालों से लग रही है। मेरे हिसाब से दिल्ली में ना जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा खास नहीं है। गुजरात में जो फाफड़ा मिलता है ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले नाश्ते की तरफ। एंड गाइस, मैंने किसी शहर का नाश्ता मिस कर दिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको लग रहा होगा मेरा एक्सेंट जैसे बदल के गया है, क्योंकि अब हम आपको एक ट्विस्ट के तौर पे इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट दिखाने वाले हैं। जी हाँ, जो कि अब्रॉड में खाया जाता है, और उस नाश्ते का नाम है पैनकेक्स, हाफ फ्राई और ऑरेंज जूस। ओह वाओ मैन, व्हाट डू वी हैव हियर? ऑरेंज जूस, जो हमने कभी खुशी गम कभी गम और ऐसी ऐसी मूवीज में देखा है कि जब लोग बाहर जाते हैं तो वो यही सब खाते हैं। तो हम भी ट्राई करने वाले हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट। लेट्स ट्राई। भैया मुलायम मुलायम लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं भैया। ओहो, खाके मेरे अंदर का इंसान बदल रहा है यार। लेकिन देसी आदमियों को नहीं पचेगा नहीं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले नाश्ते की तरफ। ए माइंड इट, क्योंकि अगला नाश्ता आ रहा है डायरेक्ट फ्रॉम साउथ ऑफ द इंडिया। नाश्ते का नाम है इडली सांबर। भैया सांबर में पानी ऊपर नहीं आ गया, इसका सांबर ही पानी वाला है। भाई साउथ वालों आकर थोड़ा हमारे शहर का सुधार कर दो, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियन वाले ना हमें पानी पिला देते हैं सांबर के नाम पे। हम लोग भी थोड़ा सा चखने को तरस रहे हैं कि भाई ऑथेंटिक सांबर हमें खिलाया जाए। लेकिन अभी हम ट्राई करते हैं साउथ इंडिया का नाश्ता, चटनी सांबर पानी वाला। मेरे ख्याल से अगर बाकी सारे ब्रेकफास्ट को कहीं ना कहीं कंसिडर करूं वो थोड़ा सा मसालेदार था, ये थोड़ा सा सादेपन में था। और ये एक ऐसा नाश्ता है जो कि आप डेली रूटीन में भी इंक्लूड कर लोगे तब भी आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा, और हर दिन आपको लाइट लगेगा ये नाश्ता खाने में। तो मेरे ख्याल से दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन, इडली सांबर। लेकिन अभी आगे भी बढ़ना है ना, तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने अगले नाश्ते की। तो इंडिया वैसे तो अलग अलग नाश्तों में डिवाइडेड है जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, लेकिन वो एक चीज से यूनाइटेड है जिस चीज का नाम है मैगी। तो भाई देखो, मैगी कुछ ऐसे जानवरों का नाश्ता है जो कि नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के खाने में, रात के खाने के, उसके बाद उससे रात के खाने में भी मैगी ही खाते हैं। ये ऐसे जानवर है जो कि अक्सर आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे और तरह तरह के कोर्स करते हुए नजर आएंगे, और ये आपको ज्यादातर हॉस्टल में पाए जाएंगे। तो ये नाश्ता है द ऑल इंडिया हॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन का द प्रेस्टीजियस ब्रेकफास्ट मैगी। चलो मैगी ट्राई कर लेते भाई। ये जो मेरे टेबल पे इतना सब पड़ा है, अगर अब वो आप पे कुछ नहीं है तो आप पे ये है, ये आपका बैकअप ऑप्शन हो सकता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आखिरी नाश्ते की तरफ, जो कि हम लेकर आए हैं गुरु पंजाब से। और जी पंजाब का फेमस नाश्ता है हमारी लस्सी ते आलू दा पराठा। रोज आलू दा पराठा हो, ऊपर ढेर सारा मक्खन हो, और एक ग्लास, जी इससे बड़ा ग्लास होता है, इनफैक्ट इतना बड़ा ग्लास होता है, और इतना बड़ा ग्लास ऑफ लस्सी हो। हम भी ट्राई करते हैं आलू पराठा और लस्सी। ओहो जी बहुत बढ़िया, बहुत चंगा ब्रेकफास्ट है जी, मजा आ गया। इसी के साथ अब समय आ गया है विनर अनाउंस का, तो विनर अनाउंस कर दे। अरे ये क्या, किसी को जिताया नहीं, ऐसा क्यों? आपको क्या लगा मैं किसी को जिताने वाला था? मैं तो सिर्फ आपको एंड तक लाना चाहता था, ताकि आपको एक मैसेज दे सकूं कि हम सब भी इस नाश्ते की तरह अलग अलग कल्चर से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग सोच से बटे हुए हैं, लेकिन हमें भी इस थाली की तरह एक साथ समा जाना चाहिए और एक साथ होकर ही दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक साथ होकर दुनिया के सामने आएंगे ना, तो शायद हम सारे भी जीत सकते। तो आज के विजेता भी हैं हम सब, हम सारे लोग, मतलब हर प्रदेश का खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट था, इतना टेस्टी था, सब नाश्ते को मैं रोज ही खा सकता हूँ। तो इस स्वतंत्रता दिवस मेरा भी अनुरोध है आप लोगों से कि हम लोग भी इकट्ठा रहें और इस नाश्ते की तरह हम लोग भी रिप्रेजेंट करें इंडिया को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके हिसाब से अगर कोई विनर हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इंडिया आपके हिसाब से विनर हो तो वो भी बता दीजिएगा। और मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक दिस इज आयुष, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।